पेंशन की लंबित मांगों को तत्काल पूरा करने हेतु प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन, महत्वपूर्ण अखबार ने इसको खबर दिया हुआ है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के केंद्रीय नेतृत्व के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर EPS 95 पेंशनर्स की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रस्तावित 4 सूत्रीय मांगों को न्यूनतम पेंशन 7,500 डीए, पेंशनर्स पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा की सुविधा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 4/11/2022 के आधार पर बिना भेदभाव के 2014 से पूर्व एवं पश्चात सेवानिवृत्त हुए EPS 95 पेंशनर्स को उच्च वेतन पर पेंशन सुविधा और EPS 95 योजना से वंचित पेंशनर्स को ₹5,000 प्रतिमाह पेंशन की लंबित मांगों को तत्काल पूरा करने हेतु प्रधानमंत्री को ज्ञापन संबोधन ज्ञापन दिया गया। प्रधानमंत्री द्वारा दी गई गारंटी के क्रम में जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से प्रस्तुत किया गया और साथ ही जिलाधिकारी नगर मजिस्ट्रेट EPFO व पुलिस प्रशासन व 10 मार्च 2024 तक शासन और प्रशासन द्वारा उक्त 4 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की घोषणा नहीं किए जाने पर 11 मार्च को राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय बरेली 11 बजे धरना प्रदर्शन रैली कर पुनः प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बरेली के माध्यम से प्रेषित करने हेतु योग सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा से स्वीकार्य स्वीकृत के लिए आवेदन की प्रस्तुत भी किया गया है। कार्यक्रम में परिवहन निगम EFCO गन्ना बिल रबर फैक्ट्री आदि के ओम प्रकाश शर्मा, राम प्रकाश शर्मा, महेश कुमार अग्रवाल, SK भारती, राज बहादुर कुशवाहा, जयप्रकाश मेहरोत्री, असरफी लाल, गुरु बख्श सिंह, कैलाश नाथ, गोविंद प्रसाद, रामेश्वर दयाल, शौकत हुसैन, श्री राम सिंह आदि पेंशनर्स ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। बरेली मंडल के पीलीभीत और बदायूं की टीम ने भी अपने जिलाधिकारियों को संबंधित ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ये एक महत्वपूर्ण अखबार ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग जो है ज्ञापन देने का काम जो है प्रधानमंत्री के जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुँचाने का काम किया गया है। इस वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने इस दोस्त को जाए अपना ख्याल रखिए।